न्यू यूट्यूब चैनल हैशटैग इंग्लिश बाय रावत सर। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो है मॉडल्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10-12 आरबीसी राजस्थान बोर्ड के लिए या और कोई अदर एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया हुआ है। मॉडल्स जो है ये डिपेंड करता है हमारे मूड स्विंग करता है, मतलब हमारा मूड कैसा, हम हैप्पी हैं, सैड हैं, दुखी हैं उस पर। दूसरी बात, हमेशा इसमें यूज करते हैं हम मैन वर्ब, मैन वर्ब के बिना यूज ये नहीं होगा। काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और सेकंड हमारे पास होता है मॉडल एक्सिलरी। अब प्राइमरी में हमारे पास दो टाइप होते हैं, वी, हैव और डू। वी के अंदर आता हमारे पास इज, एम, आर, वाज एंड वर। ये किसके अंदर आते हैं? वी के अंदर। इज, एम, आर, वाज एंड वर। हैव के अंदर आता हमारे पास हैज, हैव और है। डू के अंदर डू, डज और डिड, तीनों यूज करते हैं। फिर मॉडल जो एक्सिलरी है हमारे पास, इसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ईटीसी और जो भी हमारे पास होते हैं। अब इसके दो फॉर्मूले हमको याद करने हैं। रूल नंबर वन हमारे पास है कि ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एग्जांपल दे दिया, इट मे रेन टुडे, तो इसमें हमेशा क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और ईएस हो गया, इन वर्ड का यूज है, ईडी हो गया, इनका यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सेकेंड है सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग नो चेंज, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। ही कैन रन फास्ट, एग्जाम्पल और है सी कैन कुक फास्ट। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर चेंज कर दिया, ही और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर अकॉर्डिंग कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। अब पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ कैन की, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं कैन को। कैन का मतलब होता है सकना, कोई काम को करना प्रेजेंट टेंस में। जो इसके कीवर्ड है वो है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और क्लेवरनेस और इनफॉर्मल परमिशन, बी अलाउड। ठीक है, एग्जांपल हमने दिया, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, ये उसकी क्या एबिलिटी है। सेकंड है आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स उठा सकता हूँ, ये उसकी क्षमता है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अब नया टॉपिक है यूज ऑफ कुड का। पास्ट टेंस यूज हम करते हैं इसको, व्हेन, वाज, वर, हैड और इट। फर्स्ट दिया मैंने, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 5th year old, कि मैं तब इंग्लिश बोलता था, मेरी एज कितनी थी? 5 साल की। तो ये पास्ट की घटना को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेकंड दिया था मैंने, कुड यू लैंड मी यूर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे? तो यहाँ पर हमने यूज किया इसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट, भी यूज कर सकते हैं कुड में। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ मे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछते हैं 10-12 एग्जाम में या 8th के बोर्ड एग्जाम में। पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग, कर्स, टू सो पर्पज, कोई काम के लिए, कोई हमारे इंटेंशन पर्पज हो किसी काम में, फॉर्मल परमिशन। फॉर एग्जाम्पल दिया है, मे आई कम इन सर, तो यहां पर हम बता रहे हैं फॉर्मल परमिशन। सेकेंड हमारे पास है कुड, सॉरी टूडे इज अ संडे, ही मे गो होम, कि आज संडे आप घर आ सकते हो, तो यहां पर भी क्या हम यूज कर रहे हैं? उसकी परमिशन को यूज हम कर रहे हैं। और तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां पे हम ब्लेस, ब्लेसिंग यूज कर रहे हैं, विश या ब्लेस यहां पर यूज हम कर रहे हैं। और चौथा एग्जाम हमने दिया था, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, अगर आप कठिन मेहनत करोगे तभी आप पास होगे, तो यहां पर हम कर रहे हैं टू सो पर्पज, उसका पर्पज है। और लास्ट हमने दिया था, वी ईट सो हार्ड, वी ईट सो दैट वी मे लिव, कि अगर आप खाओगे तभी आप जियोगे। तो इसके लिए हमने यूज किया है इसमें टू सो पर्पज, इसका पर्पज दिख रहा है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ माइट। माइट का यूज करते हैं पास्ट टेंस या रिमोट पॉसिबिलिटी के। तो पहला जो है, माइट आई टेक यूर पेन। दूसरा है, द स्काई इज क्लियर नाउ आई माइट रेन टूडे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास मैंने कहा द स्काई इज क्लियर नाउ इट माइट रेन टूडे, यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी में बहुत कम संभावना, इसलिए यूज करके हम यहाँ पर माइट का। अब यूज ऑफ विल का यूज करेंगे और सेल का यूज करेंगे। विल के लिए है प्योर फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टुमारो विल बी मंडे। दूसरा यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मदद करोगे, इसलिए भी विल का प्रयोग हम करेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल दिया है, इट विल बी स्टॉर्म,
कि तूफान आने की संभावना है या पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कहेंगे बार विल का प्रयोग कर दें। तो प्योर फ्यूचर के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। लास्ट हमारे पास है यूज ऑप्शन, प्रॉमिस कमांड से जो करनी है, थ्रेड करने है, डिटरमाइन का मतलब होता है आपका इच्छा का, कोई काम करने का इरादा जो होता है, ठीक है। यू शैल गेट ए प्राइज फॉर द ब्रेवरी, क्योंकि आपको बहादुरी के लिए सम्मान दिया जाएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। सेकेंड है ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, ये आपको यहाँ क्या कर रहे हैं कमांड्स कर रहे हैं, धमकी आप जा रही है कि अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है ना। और लास्ट हमको दिया गया है यू शैल हेल्प अदर, यू शैल हेल्प अदर, ये हमको दिया है इरादा, डिटरमाइन का मतलब हमारे पास होता है इरादा करने के लिए कि आप उनके हेल्प करोगे या नहीं करोगे, उसके हम इरादा है तो वहाँ यूज करेंगे डिटरमाइंड।